भाई जल्दी करो, सूरज की बारात निकालने का वक्त हो गया है। रात का दूसरा पहर खत्म और तीसरा पहर शुरू होने वाला है, जो कि शैतानी शक्तियों का समय होता है। उससे पहले हमें उसे घोड़ी पर बैठाकर हवेली ले जाना होगा। सूरज की बारात में इकट्ठे लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी एक और आदमी बीच में बोल पड़ा, पता नहीं आखिर कब तक ये शादी ब्याह और जबरदस्ती की सुहागरात होती रहेगी। कुछ दिन और फिर एक भी मर्द नहीं बचेगा उसकी खुराक से। पता नहीं कब तक सब उस चुड़ैल का शिकार बनते रहेंगे। ये सुनते ही सब लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस आधी रात के वक्त निशीपुर गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई बस सूरज को दूल्हा बनाकर विदा कर देना चाहता था। मर्दों के साथ साथ औरतों के बीच भी खुसफुसाहट चालू हो गई थी कि हमारे गांव के मर्द उस मंडोले का चुड़ैल की भूख का जाने कब तक शिकार बनते रहेंगे, कब जाकर उसकी प्यास बुझेगी और वो मर्दों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बंद करेगी। उधर घोड़े पर बैठा दूल्हा बना सूरज पसीने से लथपथ था। वो चीखते हुए बोल रहा था, छोड़ दो ना मुझे तुम लोग, आखिर कब तक ऐसे सबको भेज भेज कर उसकी भूख मिटाते रहोगे। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे आगे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। ये बोलते बोलते सूरज का गला भर आया था, लेकिन गांव वाले उसे घोड़ी पर से उतरने नहीं दे रहे थे। एक तरफ से रमेश ने उसके पैर पकड़े तो दूसरी ओर से विकास ने। कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। रात के 2 बजे अंधेरे में पूर्णिमा की चांद की रोशनी में सभी लोग सूरज को घोड़ी पर बैठाए हुए थोड़ी ही देर में उस खंडहर वाली हवेली के पास पहुंचते हैं। भीड़ से एक आदमी ने कहा, सुनो तुम लोग जाकर उस दरवाजे को धक्का देकर खोलो, और हाँ सूरज के अंदर जाते ही एकदम बंद कर देना। और मुकेश हरीश तुम लोग जरा सूरज को घोड़ी से नीचे उतारो, तुम्हें जबरदस्ती उतारना पड़ेगा, ऐसे नहीं उतरेगा वो। और सब ने इसे मानते हुए सूरज, जो कि अंदर नहीं जाना चाहता था, उसे खींचते हुए घोड़ी से नीचे उतार दिया। सामने उस खंडहर नुमा हवेली का एक बड़ा सा लोहे का गेट था, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई भी उसके भीतर कभी गया ना हो। पूरी हवेली और उसके दीवार झाड़ियों और लत्तियों से ढकी हुई थी और हर तरफ जाले लगे हुए थे। अगले ही पल सब लोगों ने सूरज को उस दरवाजे के अंदर धकेल दिया। सूरज हड़बड़ाते हुए कुछ कहता कुछ करता, उससे पहले दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो चुका था। गांव वाले उस दरवाजे को खींच कर बंद करके वहां से भाग चुके थे। सूरज कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो अंदर ही अंदर कांपे जा रहा था, उसका गला सूख रहा था। कभी वो अपने माथे से पसीना पोंछता तो कभी होठों पर जीभ फिराते हुए अपने मन के खौफ को धीमा करते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे धीरे से किसी की आवाज आई, सूरज ओ सूरज कितनी देर लगा दी तुमने। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। सूरज तेजी से उसकी ओर पलटा और अगले ही पल उसके सामने जो कुछ था वो सूरज की सोच से परे था। और अगले ही पल सूरज गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। ये बोलते हुए सूरज न जाने कितनी बार मंडोलिका के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर चुका था, पर मंडोलिका की अजीब मुस्कान से साफ था कि आज वो सूरज को किसी कीमत पर छोड़ने नहीं वाली। और अगले ही पल सूरज ने महसूस किया कि पूरे कमरे में एक तेज खुशबू फैल गई है। मंडोलिका कोई आम सा दिखने वाला चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहद हसीन सा दिखने वाला जादू था। उसकी पतली कमर और खुले रेशमी बालों के बीच उसके शरीर का जितना भी हिस्सा खुला हुआ था, उसके आकर्षक शरीर की बनावट को दिखाने के लिए काफी था। उसके उभार पर कसे कपड़े पर लगा एक खास रत्न उसकी सुंदरता और चमक को बढ़ा रहे थे।
उसकी गहरी काजल वाली आंखों में एक अजीब सी शारीरिक संबंध बनाने की लालसा पसरी हुई थी। और तभी वो सूरज के करीब आते हुए बोली, आखिर कब तक दूर से निहारोगे सूरज, करीब आओ। इतना सुनते ही सूरज ने तेजी से अपने कदम थोड़े पीछे कर लिए, पर ये बात मंडोलिका को सहन नहीं हुई और उसने चीखते हुए कहा, क्यों तुम मर्दों को प्यार और सम्मान रास नहीं आता। और ये कहते ही मंडोलिका ने सूरज को अपनी ओर खींच लिया और अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। होठों के मिलते ही सूरज पर उसका खौफ बढ़ चुका था। वो इस मंजर को देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर मंडोलिका बिना इस बात पर गौर किए कि सूरज बेमन से इस लम्हे में उसके साथ था, वो खुद ही हर पल को अंजाम दिए जा रही थी। और दूसरी ओर सूरज के लिए हर बढ़ता हुआ लम्हा खौफ पैदा कर रहा था। मंडोलिका के सीने से लिपटते ही सूरज का पूरा बदन सिहर गया। इसे देखते ही मंडोलिका जोर जोर से हंसने लगी और अगले ही पल उसने अपने बदन पर पहने सारे कपड़ों को उतार सूरज को अपनी बाहों में भर लिया। सूरज कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मंडोलिका उसके बदन के साथ खेल रही थी, सूरज का मन ना चाहते हुए भी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। पूर्णिमा की रात थी और चमकते चांद की रोशनी में मंडोलिका का हुस्न हर ओर जादू बिखेर रहा था। उसका अंग अंग दमक रहा था और उसके इसी हुस्न के आगे सूरज अब हार रहा था और धीरे धीरे खुद को मंडोलिका के आगे सौंपने को मजबूर हो चुका था। वो न चाहते हुए भी मंडोलिका में डूब रहा था। मंडोलिका सूरज के पूरे बदन को चूमे जा रही थी और सूरज भी उसके होठों के जादू में खोने लगा था। पर रात के इस तीसरे पहर बीतते बीतते मंडोलिका और सूरज जैसे ही एक दूसरे में खोए, मंडोलिका अचानक ही जोर जोर से चीखने लगी और मंडोलिका के पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसका खूबसूरत गोरा बदन देखते ही देखते राक्षस काला पड़ने लगा। अपने शरीर में बढ़ती जलन को महसूस करते ही मंडोलिका ने अगले ही पल सूरज को अपने ऊपर से धकेल दिया और चिल्लाते हुए पूछने लगी, कौन हो तुम? तुम कोई आम मर्द नहीं हो सकते, आखिर कौन हो तुम? सूरज, जिसे अभी अभी मंडोलिका ने अपने शरीर के ऊपर से धकेला था, वो अगले ही पल एक कुटिल मुस्कान के साथ बोल पड़ा, सच कहा तुमने, आम नहीं खास मर्द हूं मैं। और तुम्हें क्या लगा मैं वाकई में डर रहा था? नहीं, बल्कि मैं तो गांव वालों के सामने भी डरने का नाटक कर रहा था। तुम्हें तो शारीरिक संबंध बनाना है ना, तो आओ आओ मेरे पास। ये कहते ही सूरज ने मंडोलिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया और दूसरी ओर मंडोलिका देखते ही देखते एक डरावनी चुड़ैल में बदलने लगती है।